इन पांच जगहों पे दर्द है तो आपको बेटा ही होगा। वो बेटा के टाइम ही दिखेंगे इन पांच जगहों पे दर्द। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ सोनी। आप सभी का स्वागत है सोनी सानी टिप्स शॉर्ट में। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे लड़का होने के पांच ऐसे सटीक लक्षण। यदि आपको उन अंगों पे दर्द होता है तो सिर्फ आपको गर्भ में बेटा होता है तो उसी टाइम आपको इन अंगों पे दर्द होगा। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उन्हें कई अंगों पे दर्द होता है तो उन्हें पता इन इन चीज़ों का नहीं होता है कि दर्द क्यों हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में क्या कारण से आपको पांच अंगों पे दर्द होता है, क्यों होता है, इसको क्या करें उपाय, कैसे ठीक करें, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ आए, हेल्दी आए, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में इन पांच जगहों पे दर्द मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था और हमने बेबी बॉय को जन्म दिया था, मुझे बेबी बॉय हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना ही इस सिम्टम्स का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, ना ही कोई डॉक्टरी फरमाश है, सिर्फ और सिर्फ यह बड़े बुजुर्गों, हमारी दादी नानी, ओल्ड वाइफ का यानी कि यह सिम्टम्स है, उनका ये अनुभव है और मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा पेट का जो निचले हिस्से हैं उसमें आपको दर्द होता है, यह दर्द आपको 3 मंथ से बाद में भी हो सकता है या 6 मंथ के बाद भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान यह दर्द आपको आता है और जाता है, हल्की फुल्की दर्द लगातार चलती रहती है। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होती है पेट में तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं, अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। हल्का फुल्का मुझे हो रहा था तो ये मेरा बेबी बॉय होने का सिम्टम था, मुझे बेबी बॉय हुआ था। चलिए दूसरे सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, कमर के पिछले हिस्से में दर्द। यदि आपको कमर के राइट साइड में थोड़े पिछले हिस्से में दर्द होता है, मुझे उस समय दर्द होता था तो मुझे बेबी बॉय हुआ था और कई लोगों ने मुझे बताया भी था कि कमर के देखना राइट साइड में पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है तो यह एक बेटा होने का निशानी है। तो ये भी मेरा लिए सटीक था सिम्टम्स, आपके लिए कितना सटीक है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला जो तीसरा सिम्टम्स है मुझे, जो मेरा में बहुत ही ज़्यादा सटीक था कि आपको राइट ब्रेस्ट में, राइट जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, दर्द भी हो सकता है हल्का फुल्का और निप्पल का रंग काला भी पड़ सकता है। देखिए दर्द होने का, ब्रेस्ट में बदलाव होने का कारण मुझे तो उस समय सिम्टम दिखे थे कि बेबी बॉय में ये लक्षण दिखे थे, लेकिन ये भी कारण हो सकता है कि बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं अप डाउन होते हैं जिसके वजह से निप्पल्स दर्द देते हैं। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती है, जैसे आपका प्रेगनेंसी 9 मंथ पार होता है तो आपको दूध बन अच्छी तरीके से बन गया होता है बेबी के लिए, तो जिसके वजह से ब्रेस्ट में दर्द भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। तो मुझे ब्रेस्ट में दर्द सिर्फ बेबी बॉय के टाइम होते थे, बेबी गर्ल के टाइम बिल्कुल भी नहीं हुए थे। तो चलिए चौथे सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, वो क्या है चौथे सिम्टम्स। हो सकता है आप में भी ये सिम्टम्स देखने को मिले, यानी कि कोई भी एक हैंड में या एक पैर में दर्द होना। मुझे हैंड में, राइट हैंड में दर्द होता था। आपको किस हैंड में या किस पैर में दर्द हुआ है या हो रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बेबी बॉय के टाइम हुआ था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़का होने वाला है तो आपको हाथ में दर्द होगा या पैर में दर्द होगा। दर्द होने का ये भी कारण हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स अप डाउन होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, या आपको कैल्शियम की कमी है तो हो सकता है। तो ज़्यादा आपको परेशानी है तो डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करें, दिखाएं। चलिए पांचवें सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, वो है आपका सिर दर्द। यदि आपको प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी सिर में हल्की फुल्की दर्द रहती ही रहती है, चलते रह रहा हल्का फुल्का दर्द हमेशा, तो मुझे बेबी बॉय था उस समय जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उसमें मुझे सिर में हल्का फुल्का दर्द पूरी प्रेगनेंसी थी, 1 मंथ से लेकर पूरे 9 मंथ तक। तो ये भी मेरा एक बेबी बॉय होने का सिम्टम्स था। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि यदि आपको सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो बहुत ही खतरे की घंटी है। तो इस समय आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मुझे बेबी बॉय है या मुझे बेबी गर्ल है तो सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि सिर में ज़्यादा दर्द खतरे की घंटी हो सकती है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। तो इस समय आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर की हूँ, यह सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना ही तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, नहीं कोई डॉक्टरी फरमाश है, सिर्फ बड़े बुजुर्गों का अनुभव है, इसलिए मैं शेयर की हूँ। वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है लड़के और लड़की में भेदभाव करना, और मेरा चैनल कोई भी जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर कोई गलत कदम ना उठाए, इस वीडियो को सिर्फ आप मनोरंजन और अपने दिल की उत्सुकता को कम करने के लिए देखें, मन की जिज्ञासा को कम करने के लिए देखें, सिर्फ और सिर्फ ये वैज्ञानिक प्रमाण इसका बिल्कुल भी नहीं है, बड़े बुजुर्गों का अनुभव है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है।